लड़कियों की मजबूरी का फायदा उठाने वाला राजकुंद्रा भले ही इस समय जेल में है, लेकिन ऐसी तमाम अभिनेत्रियां या कहें कि न्यू कमर मॉडल्स उसकी शिकार हो चुकी हैं। ऐसी तमाम लड़कियों की तमाम एडल्ट कंटेंट्स राजकुंद्रा ने अपने एप्स के जरिए पब्लिक कर रखे हैं। बताया जा रहा है कि कोरोना काल में तमाम लड़कियों की नौकरी छूट गई, कुछ मॉडल्स को काम मिलना बंद हो गया। ऐसे में राजकुंद्रा ने मौके का फायदा उठाया और इस आपदा में उसने अवसर ढूंढा। राजकुंद्रा ने ऐसी तमाम लड़कियों से संपर्क किया, न केवल खुद बल्कि अपनी एक टीम के साथ ऐसी लड़कियों की मजबूरी का फायदा उठाया जो लड़कियां तंगहाली में थी, जिनको कोरोना संक्रमण में काम नहीं मिल रहा था। ऐसी लड़कियों को पैसे के लालच देकर राजकुंद्रा ने पॉर्न इंडस्ट्री में ढकेल दिया। इस पॉर्न इंडस्ट्री से उसने करोड़ों रुपए कमाए। उसे पता था कि इंडिया में पॉर्न इंडस्ट्री बैन है, तो उसने अपने बहनोई को लंदन में शिफ्ट किया और यहाँ पर उसके नाम से ऐप बनाया। उसे पता था कि लंदन में इस तरह की कोई रोक नहीं है और वो कानूनी शिकंजे में नहीं आएगा, लेकिन उसका ये दांव खाली हो गया। फरवरी में एक मॉडल ने पुलिस में शिकायत की कि उसे पहले दूसरी कहानी सुनाई गई, लेकिन शूटिंग के वक्त उसे अश्लील कंटेंट शूट करने के लिए कहा गया, लिहाजा वो वहाँ से चली आई। इस पूरे मामले में राजकुंद्रा शामिल थे। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या राजकुंद्रा की पत्नी शिल्पा शेट्टी को इस बारे में कुछ नहीं पता था? ये बात किसी के गले से नहीं उतर रही है कि पति इतनी बड़ी पॉर्न इंडस्ट्री चला रहा हो और उसकी पत्नी को कुछ पता ना हो। मॉडल सोना सागरिका का भी कहना है कि इस पूरे मामले में शिल्पा शेट्टी भी शामिल थी। आखिर उनकी गिरफ्तारी कब होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।